नमस्कार। गहलोत सरकार में एक बार फिर से विद्रोह की आवाज उठने लगी है। गहलोत से नाराज विधायकों ने पायलट के दरबार में हाजिरी लगाना शुरू कर दिया है और सचिन पायलट ने भी अपनी सेना की संख्या को बढ़ाने और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 24x7 आवर्स गहलोत से नाराज विधायकों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि पायलट कैंप अगला कौन सा कदम उठाएगा। पहले भी सचिन पायलट को लेकर के अशोक गहलोत ने कई तरह की अफवाहें जनता में फैलाने की कोशिश की थी। गुर्जर समाज में भी कहीं ना कहीं जो पायलट के खिलाफत करने का काम अशोक गहलोत कर चुके हैं, पायलट के चमचों ने ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है कि सचिन पायलट तो बीजेपी के साथ हैं। सचिन पायलट के जितने भी विधायक हैं वो बीजेपी के लगातार संपर्क में हैं, बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकातें हो रही है। इस तरह की अफवाह फैला करके सचिन पायलट को अलग थलग करने का काम अशोक गहलोत की तरफ से किया जा रहा है। जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सियासी ड्रामा चल रहा है, उसके बाद जितनी कोशिश अशोक गहलोत सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की राजनीति से बाहर निकालने की कर रहे हैं, उतनी ही कोशिश सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को घेरने के लिए कर दी है। अजय माकन भी अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी गहलोत सरकार पर जो फीडबैक तैयार किया गया है वो रिपोर्ट भी सबमिट करवानी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वापसी के बाद राजस्थान की राजनीति पर कोई बड़ा फैसला आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा। अजय माकन भी अशोक गहलोत सरकार की रिपोर्ट कार्ड को लेकर के काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। जिस तरह से माकन भी गहलोत सरकार की सर्वे रिपोर्ट तो तैयार कर चुके हैं, लेकिन उस सर्वे रिपोर्ट में पायलट और पायलट समर्थकों द्वारा जो नेगेटिविटी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ दिखाई गई है, उसका पूरा असर है वो निश्चित तौर पर गहलोत सरकार पर पड़ेगा। या यूं कहें कि कुछ लोगों का तो यही मानना है कि अशोक गहलोत की सीएम गद्दी है वो संकट में पड़ चुकी है। संकट के बादल अब कहीं ना कहीं गहलोत की सीएम गद्दी पर मंडरा रहे हैं। अब सोनिया गांधी के हाथ में ही रहेगा किस तरह से उनको बड़ा फैसला लेना है, किस तरह से वो राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अगला कौन सा कदम उठाएंगे, ये भी सोनिया गांधी के हाथ में रहेगा। लेकिन पायलट ने भी गहलोत सरकार को घेरने के लिए अब पूरी तरह से अशोक गहलोत को घेरने का काम शुरू कर दिया है। गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा पायलट कैंप खोल चुका है। पायलट ने अपने समर्थक विधायक हेमाराम चौधरी को समय समय पर गहलोत सरकार के अधूरे वादों को जनता में उठाने की खुली छूट दे रखी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पायलट के सभी विधायकों ने बगावत की थी, उस दौरान भी हेमाराम चौधरी वो नेता थे, हेमाराम चौधरी और विश्वेंद्र सिंह, जो निश्चित तौर पर पायलट के इस पूरे कैंप की बागडोर संभाले हुए थे, और अब दोनों ही पूर्व मंत्रियों ने एक तरह से जनता में पहुंच करके जनता की सहानुभूति बटोरना शुरू कर दिया है, और अब अशोक गहलोत को याद दिलाना भी शुरू कर दिया है कि उन्होंने किसान कर्ज माफी के भी वादे किए थे, बेरोजगारों को 3-3 हजार से लेकर के 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने के भी वादे किए थे, विकास कार्यों को लेकर के भी काफी वादे किए थे। अब इस तरह के मुद्दे उठा करके हेमाराम चौधरी ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसके अलावा पायलट खुद एमबीसी और गुर्जर आरक्षण के लिए अपने समर्थक नेताओं द्वारा गहलोत सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दिलवा रहे हैं, जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा हुए। इसके अलावा भी कई ऐसे गुर्जर समाज के नेता हैं जो पायलट समर्थक हैं, उन्होंने गुर्जरों को आरक्षण देने को लेकर के कई तरह के ऐलान कर डाले हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि एमबीसी और गुर्जर समाज को आरक्षण नहीं मिलता है तो वो एक बार फिर से गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस तरह की चेतावनी भी अब गुर्जर समाज से मिलना गहलोत को शुरू हो चुकी है। गहलोत सरकार के खिलाफ अब चारों तरफ से घेराबंदी पायलट कैंप की तरफ से की जा रही है। गहलोत गुट में सेंधमारी कर पायलट ने नाराज विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। उसी का परिणाम रहा कि प्रमोद भाया जैन हुए, प्रशांत बेरवा हुए, दानिश अवरार हुए, ऐसे जो नाराज चल रहे थे अशोक गहलोत से, वो सभी के सभी विधायक हैं वो सचिन पायलट की दरबार के अंदर हाजिरी लगाने के लिए भी पहुंच गए। यानी कि पायलट अब कहीं ना कहीं गहलोत गुट में सेंधमारी करके अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, और जिस तरह से वो गहलोत से नाराज चल रहे विधायकों को टैकल कर रहे हैं, वो विधायकों को पसंद भी आ रहा है। मंत्रिमंडल को लेकर
करके भी विधायकों में काफी नाराजगी है, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के भी काफी नाराजगी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब पायलट का पलड़ा दिनों दिन राजस्थान कांग्रेस में भारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में अब सोनिया गांधी कांग्रेस आला कमान द्वारा ही कोई फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद ही ये घमासान रुक सकता है, वरना सचिन पायलट कैंप एक बार फिर से बगावत कर सकता है। क्योंकि सचिन पायलट को लेकर के अब पायलट समर्थक सभी विधायकों ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे घमासान के दौरान कांग्रेस आला कमान द्वारा किस तरह का बड़ा फैसला वापसी के बाद लिया जाएगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।